पहुंच चुके हैं हम लोहाघाट। कौन है? हेलो, कौन बोलेगा? दिल्ली से लाई मामी गिफ्ट अपनी नंदी सासू के लिए। ये आपके लिए, ये भांजी के लिए। आज मेरा घर का पूरे जो पानी पानी हो चुका है, देख सकते हो, और इतने तूफान, इतना ये वॉक के लिए। हेलो फ्रेंड, हेलो हेलो फ्रेंड, बाय बाय। मम्मी ने बहुत बड़ा कर दिया। बताओ मम्मी ने क्या करा है। सो हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 6:30 से। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल निर्मला नेगी व्लॉग पर। अभी मौसम देख सकते हो, सामने वाले पहाड़ पे, अभी इस पहाड़ी पे भी, दूसरी वाली पहाड़ी पे भी नहीं आई है धूप, उधर वाले पहाड़ों पर आ गई है हल्की हल्की सुबह की धूप। अभी का मौसम देख सकते हो, और मैं जा रही हूँ अभी आज सुबह सुबह मैं लोहाघाट के लिए। सुबह सुबह मैं तभी निकलती हूँ जब मुझे दिल्ली के लिए जाना पड़ता है या फिर कॉलेज जाना पड़ता है। कॉलेज तो मेरा हो गया है ख़त्म, कॉलेज का फाइनल हो चुका है मेरा। एंड आज मैं सुबह सुबह जा रही हूँ, मेरी छोटी मामी लोग आ रहे हैं दिल्ली से गर्मियों की छुट्टी में, उनको लेने के लिए जा रही हूँ लोहाघाट। मैं निकल चुकी हूँ लोहाघाट के लिए आज ना सुबह सुबह 7, आजकल बच्चों का 7:30-7:30 का स्कूल है, तो अभी पूरे रोड में ना स्कूल के टीचरों की गाड़ी, स्कूल की बस है, स्कूल के बच्चे ही दिख रहे हैं मेरे को। और दिनों तो यहाँ सुबह बहुत भीड़ रहती है, या 9 बजे तक, 9 बजे भीड़ रहती है, क्योंकि उस टाइम सब लोग मार्केट में जाते हैं यहाँ की टैक्सी गाड़ियाँ, और या छुट्टी, स्कूल की छुट्टी के टाइम। तो सख्ती सख्ती रोड है, देखो इतनी सख्ती रोड हुई, उसके बाद स्कूल की गाड़ियाँ आते जा रही है। दोस्तों अभी सुबह के 7:30 हो रखे हैं और मैं जो पहुँच चुकी हूँ सुबह के 7:30 लोहाघाट, और मामी लोग अभी नहीं पहुँचे। सही हुआ मैं उनसे पहले पहुँच गई थी, मुझे लग रहा था वो लोग पहले पहुँच जाएंगे। अभी ना स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, और सुबह सुबह वाला व्यू देख सकते हो, मार्केट में भी अच्छी तरह धूप नहीं आई है। मैं थोड़ा बहुत सामान लेके आ चुकी हूँ, देखो आधी मार्केट में धूप आई है और आधी में धूप नहीं आई है। पर खड़ी बाजार भी पूरी बंद है, अभी तक कोई नहीं खुली है। अभी देख सकते हो मार्केट पूरी खुली नहीं है, अभी मतलब थोड़े थोड़े करके दुकानें खुली हैं, और इधर उधर साइड तो बंद है पूरी झुग्गी झुग्गी वाली। तो पहुंच चुके हम लोहाघाट। कौन है? हेलो, कौन बोलेगा? हेलो गाइस, कौन बोलेगा? हेलो गाइस, ड्राइव तो कैसा लग रहा है यहाँ के? सफर में कैसा रहा? गाइस मामी जी बैठ गई है गाड़ी में। यासी और मैं एक साथ जाएंगे अब अपनी सन्नों में। यासी कैसा लगेगा स्कूटी में? मजा नहीं आ रही अब। यहाँ पर बहुत शोर है, तो गई जिसको बिठा दिया है हमने, और लाई को मेरे साथ आने का मन कर रहा था, लेकिन छोटी है इसलिए नहीं लाई मैंने बोला। हम लोग आ गए हैं घर का थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए दिल्ली में पॉल्यूशन। तो या फिर कोई यहाँ की मार्केट पसंद आ रही है, जंगल पड़ जाता है ना, तो गई अभी हम लोग जाने लग गए हैं। और ये देखो ये पे? मामी आप ले जाओ हमें, कहाँ जाना है कहाँ ले जाओ ले जाओ। तो मामी लोग हमें ले जा रहे हैं रास्ते से, देखते हैं ले जा पाते हैं नहीं। यासी लोगों को देखो कहाँ पहुँच गए हैं। मामी ये फर्स्ट हो रहा है, तभी तो कह रही है ये लगते नहीं है बाहर रहे होंगे। मुर्गी पाल रखी है हमारी है क्या? जितनी होंगी हमारी होंगी। वो क्या खा रही है मुर्गियाँ? मुर्गियाँ दाला खा रही है। इसको हिस्सा ऐड कर बेटा, बता हमारा घर कौन सा रे? इसके तो वो भी यासी की ज्यादा ही हिल हो गए हैं वो। वहाँ कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? नहीं मैंने पहचान लिया बुआ का घर को, हमको वो है
नहीं नहीं याशी अब आप बताना, चलो नहीं तो आप बताना। पत्थर लग गई रे बाबा। ये नहीं है अब हमारा घर, चलो चलते रहो, कहाँ पर मिलेगा बताना, व्लॉग में देखा है तो बताना। ये है। कैसे कह रहे हो? ये है। नहीं है, किसके घर पहुँचे हो? चलो फिर आपका घर ये नहीं। हाँ किसके घर जा रही है? एक पेड़ काट दिया क्या तुमने? छाटा है ना पूरा वो कर। दिल्ली से लाई मामी गिफ्ट अपनी नंदी सासू के लिए, ये आपके लिए, ये भांजी के लिए। थैंक यू मामी जी, वेलकम। तो बहुत ही प्यारा सूट लेके आई है, जब सिलाऊंगी तो तब देख लेंगे। अभी तो मैं कितनी पतली लग रही हूँ ना। तो मम्मी तू बता, बहुत अच्छा लगा है क्या? क्यों क्यों क्या अच्छा लगा है? बहुत अच्छा लगा है। ये सूट लाई है मेरे लिए, मेरी बहू ने साड़ी लाई है मेरे लिए। बहू आ गई उतना बहुत हुआ को, सोचा नहीं था। जब कई बार प्लान बनाया था हम लोगों ने तो तब तो आ नहीं पाती है मामी, इस बार बिना बताई पहुंच गई। हाँ अनप्लान था ना, इसलिए पहुंच गए, इसलिए पहुंच गए। घर का रास्ता भी जैसे पता चला। हाँ घर का रास्ता तो मैं लोहागढ़ पहुंच के आ गई। ये ना बड़े बड़े हैं तो गाइस मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, अभी हम सब लंच करेंगे। और आज सो गाइस लंच टाइम होने ही वाला है थोड़ी देर पे, और आज यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है। मैं यहाँ पे बिल्लियों को भगा रही हूँ तब से। और गाइस ये यहाँ पे बिल्ली है, ये बिल्ली इसका नाम गुंजन है, गुंजन रहते हैं इसका नाम। हाँ आओ खा लो। ये मेरे से म्याऊ म्याऊ करती है। और यहाँ पे हमारा लंच तैयार है, मैंने इसको भगा दिया। किसकी दाल है ये पता नहीं, सब कुछ मिला के करी है। ये मिक्स दाल है एंड राइस, यहाँ पे चटनी और तो ये देखिए कितने अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है। जिस जिस को इस फ्लावर का नाम पता है वो कमेंट करे। तो बहुत इजी फ्लावर है, पता ही होगा सभी को मोस्टली। और ये तो सदाबहार है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइस आज अभी शाम हो रखी है, दिन ढलने वाले हैं, हम जा रहे हैं वॉक के लिए। हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा सीक्रेट दरवाजा। खोलो दीदी से। कैसे खोलूं? तुम सब लोगों ने ही लगा रखे हैं क्या? तुम नहीं? हाँ और ये फ्रेंड्स हमारे अभी निर्मला दीदी मतलब ये खोल रही है। अच्छा सही, क्या कहना चाहोगी इस व्यू को देख के? मैं तो बोल रही हूं। यहाँ पर देख सकते हो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे और डॉगी यासी लोग ऊपर चले गए पहाड़ी पे, और मौसम एकदम खराब हो गया है। ये देख इधर साइड देखो मौसम, मामी कैसा लग रहा है? ठंडा हो रहा है तो इतनी हवा मामी उड़ने लगी। हल्का कर लो खुद को, उड़ जाएंगे। गाइस यहाँ पर हम जानवरों के साथ आए। सो गाइस हम लोग आधे रास्ते से जाने लग गए हैं क्योंकि मौसम इतना घनघोर वाला हो चुका है, जैसे रात होने वाली है। अचानक ही देखो ऐसा लग रहा है जैसे रात होने वाली है। ये देखो मौसम पूरा क्या, उनको भी ले जाना। मामी एकदम से कैसा अंधेरा हो गया ये वाला? आपकी मम्मी तब से बुला रही है। ओ बछड़े भी हमारे को करने लग गए। अरे पता चल गया बेटा, वो नहीं, वो अपनी आवाज दे रही है। गाइज मौसम वाह सुहाना सा मौसम हो गया है। उस तरफ अंधकार।
आज तो पता ना लेके आ गया मम्मी। देखो पूरे जो पानी पानी हो चुका है देख सकते हो, और इतनी तूफान इतना, ये देखो ये। चलो 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 अंदर को चलो। गाइस बारिश खत्म, बाहर कहाँ जा, मैं तो यहीं पर हूँ। बारिश खत्म हो गई हूँ, ये देखिए इसके बाद का मौसम कैसा लगा यहाँ का। यासी क्या, यासी को क्या लग रहा था? मेरे को दीदी को लग रहा था यार सुनामी आ जाएगी। यासी को लग रहा था सुनामी आ जाएगी। कैसी सुनामी है पहाड़ों की? बढ़ गया सुनामी, यासी डर गई थी। दोस्त यहाँ इतनी सारी बारिश हो रही है, मतलब कोई नहीं, अंधेरा नहीं, बारिश हो रही है। गाइस देव मामी को देवता आ रहा है, गद्दी लगानी बाकी है, ठंडा हो गया। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है मामी, गर्मी है सर्दी, अब बताओ। ठंड सुबह नीचे को नियासी सुंदर लग रही है, देखो अच्छी लग रही है। अभी फिर वो हो रहे हैं, देखो सब्जी तोड़ने जा रहे हैं अभी। आज मेरा घर का ओए ओ ओ लायो, ये खुद से क्यों उतर गई है? तुम यही रहो, यही तो देखो हमें। चलो मैं वीडियो बनाती हूं, फोन गिरा दे दीदी। चलो 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 दीदी, अगर मम्मी भी लाग गई। गाइस मामी जी खेतों से सब्जी तोड़ते हुए आज मेरे कई दिनों से बनेंगे ये घर के वीडियो। और मौसम हो गया बिल्कुल साफ, पर ठंड हो गई है, ठंड हो गई है। यासी को हमने बांध दिया है स्टॉल। तोड़ दो ये, क्या देखिए ऐसे क्या। हाँ आलू भी मिक्स करेंगे, मम्मी ने बहुत बड़ा कर दिया। मम्मी ने क्या करा है दीदी? मम्मी ने क्या करा? मम्मी ने पौधा तोड़ दिया। इसको डालने कोई फायदा होगा? हम लोग तोड़ रहे सब्जी, आसान की सब्जी का जुगाड़। कितना प्यारा बेचारा टूट के गिर गया।